चार मिसरे करेंगे। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं, करबला वालों के दीवाने चले आते हैं, मदरे शहे की दुआ पाने चले आते हैं, मदरे शहे की दुआ पाने चले आते हैं। कि फर्शे मजलिस पे हमें हैरत से ना दे, फर्शे मजलिस पे हमें हैरत से ना दे, कि शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। हर सलवात चूँकि आज शहादत कसमा की शहादत भी उनके मनसबत से जनाब सकीना के हवाले चंद शेर मसाहिब के समाप्त करेंगे। जरा सदा सकीना की बहुत अंधेरा है, सदा सकीना की बहुत अंधेरा है, घटा सितम की है छाई बहुत अंधेरा है, घटा सितम की है छाई बहुत अंधेरा है। यहाँ से शेर समाप्त करेंगे। जैसे माँ को भी जिंदाने शाम में कैद किया गया था, कुआं थे जिसमें कैद किया गया था, जनाब सकीना को जिस जिंदाने शाम में कैद किया गया था इतना अंधेरा था कि दिखाई नहीं दे रहा था, मुँह अंधेरा कि मुझे बतौर खाएंगे कि मैं कैद शाम मैं मर जाऊंगी मेरे बाबा, मैं कैद शाम मैं मर जाऊंगी मेरे बाबा, हुई है दुनिया पराई बहुत अंधेरा है, सदा सकीना की आई बहुत अंधेरा है। शेर समाप्त करेंगे, तसव्वुर करेंगे समाप्त करेंगे शेर में बतौर खास के चहेती बेटी का बाबा जरा ख्याल करो, चहेती बेटी का बाबा जरा ख्याल करो, कि सुन लो मेरी दुहाई बहुत अंधेरा है, सदा सकीना की आई बहुत अंधेरा है, घटा सितम की है छाई बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा है,
सदा सकीना किया आई, बहुत अंधेरा है। क्यों खुदा से कहियो मदद कर दो मेरी ऐ बाबा, खुदा से कहियो मदद कर दो मेरी ऐ बाबा। असर पसंद आई, बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया आई, बहुत अंधेरा है। हर एक लम्हा अंधेरे में अब गुजरता है, हर एक लम्हा अंधेरे में अब गुजरता है। हुई है जब से जुदाई, बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया आई, बहुत अंधेरा है। नसीब बुलाया है कहते सितम में क्यों मुझको, नसीब बुलाया है कहते सितम में क्यों मुझको, जहां ना कुछ दे दिखाई, बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया आई, बहुत अंधेरा है। محمد و آل محمد صلوات میں مظلوم علیہ السلام کے چاہنے والے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج یہ مجلس رکھی گئی ہے مرحوم عباس بن موسیم عالم کے لیے، اور یقیناً عباس بھائی جو تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کی طرح وہ رہتے تھے، بالکل آزاداروں کے ہمیشہ غلام رہتے تھے، اور یقیناً ایک اچھے بیٹے، ایک اچھے بھائی اور ایک اچھے باپ تھے ہمیشہ، اور ہر شیعہ کو چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مصیبت میں رہتا تھا، کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ اپنی پوری کوشش لگا دیتے تھے کہ وہ چاہے شیعہ ہو چاہے کوئی اور قوم کا ہو، چاہے ان کو منصب سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے کھڑے رہتے، جس طرح ایک علی کے شیعہ کو ہونا چاہیے۔ یقیناً آج ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، شہزادی زینب کو، بی بی سکینہ کو، جناب زہرا کو، اور اس پرسے کا ثواب عباس بھائی کو یشب بھی پہنچا ہے۔ ایک ثواب پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ ابھی مت رو بہل ابھی مت رو یہ بھائی اور بہن کے پیار کی مولا ہے،
इतजमत कायम किया। अभी नजदीक खैमों के सितमगर तो नहीं आए, मुसल्ला मेरे आबिद का जलाने के लिए आए। अभी महबे बादत है मेरा बीमार बहना, मत रो बहन ज़ैना। अरे अभी एक बे के सीने ने सेना खाई नगी बीबी, जैनब देख ले अकबर का तू सीना। अभी मत रो बहन जैना, मेरे सीने पे सर रख कर अभी आंसू बहाती हो, हमारे बाद बीबी नजफ से आए बाबा तो गले बाबा से मिल कर मेरे हम शीर रो लेना। अभी मत रो बहन ज़ैना। यकीनन हमारे पास भाई बहनों के भाई थे और बहनों को अपने भाई से आसरे बहुत होते। बहन देखो सलामत है अभी अब्बास के बाजू, पढ़ो ना दे अलीन पर बहाओ तो नहीं आंसू, अगर दरिया पे जाकर आए ना अब्बास तो रो ना। रो बहन ज़ैना, सकीना के मैं हाथों को तेरे हाथों में देता हूँ, यही इल्तिजा तुझसे मेरी मझाई करता हूँ, तुझे रोता हुआ देखेगी तो रोएगी मासूमा। बयां शब्बीर का सुनकर ये बोली सैयदा ज़ैना, भला किस तरह से बहन को चैन आया, मुझे रोते हुए तुम क्या कह रहे हो ऐ मेरे भैया। अभी सर पे तेरे साया है बाकी, तेरे भाई का। मुन्ने भाई खाली अभी मौलाना
मौलाना के शान में नजराना अकीदत पेश करेंगे और उसके फौरन ही बाद मौलाना मौसूफ मिंबर पे फैजयाब होंगे। आप उनके इस्तकबाल के लिए बलंतर सलवात पढ़ें। शेर कर रहे थे मौलाना उन्हें कबूल कर ले, उन्हें आला मकाम आला दर्जात में दाखिल करे परवरदगार। और उनके वालिद साहब मरहूम हैं, मैं ताज़ियत का शेर पढ़ रहा हूँ, आप सबकी समाज चाहता हूँ। और यहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर भी हैं, उस्ताद शोरा भी हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं, माहिर जाफरी साहब तुला उनके दरमियान मैं आपको जो है शेर हाजिर करता हूँ, उनसे समा फरमाएँ पहले बिना किसी तमीद के। ताज़ियत का शेर उनके अजीज़ अक़ारिब की जानिब से कि ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ से एक दिन हर एक को जाना है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ से एक दिन हर एक को जाना है। हयाते दायमी कोई बशर कब लेके आया है, हयाते दायमी कोई बशर कब लेके आया है। और अज़ा का फर्श जिसने भी दमे आखर बिछाया है, अज़ा का फर्श जिसने भी दमे आखर बिछाया है, उसी की मग़फ़िरत में मजलिसे शह आज बरपा है, उसी की मग़फ़िरत में मजलिसे शह आज बरपा है। और समाज फरमाए शेर के यकीनन कब्र में जिब्रील ने आकर कहा होगा, यकीनन कब्र में जिब्रील ने आकर कहा होगा, यकीनन कब्र में जिब्रील ने आकर कहा होगा, उठो अब्बास जन्नत में शहीदी ने बुलाया है, उठो अब्बास जन्नत में शहीदी ने बुलाया है। और अज़ा के फर्श से उठे तो सीधे खुल्द जा पहुंचे, अज़ा के फर्श से उठे तो सीधे खुल्द जा पहुंचे, हसन ये मौजज़ा शब्बीर ने उनको दिखाया है, हसन ये मौजज़ा शब्बीर ने उनको दिखाया है। समाज फरमाए मुसद्दस के शेर ताज़ियत का समाज फरमाए, बहुत जल्दी जल्दी हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए के सबात सबात यूं तो किसी शय को भी नहीं हासिल, सबात यूं तो किसी शय को भी नहीं हासिल, कि जिंदगी के सफर की है मौत ही मंजिल, कि जिंदगी के सफर की है मौत ही मंजिल। गए हैं जब से अब्बास है दिल बिस्मिल, गए हैं जब से अब्बास है दिल बिस्मिल, हुआ हमारे लिए दिल संभालना मुश्किल, हुआ हमारे लिए दिल संभालना मुश्किल। और हजार रोका मगर बंदे जब्त टूट गया, हजार रोका मगर बंदे जब्त टूट गया, हमारे हाथ से दामाने सब्र छूट गया, हमारे हाथ से दामाने सब्र छूट गया। और समाज फरमाए शेर के जहाने फहमो फरासत के ताजदार थे वो, जहाने फहमो फरासत के ताजदार थे वो, गमों की धूप में एक शजरे सायादार थे वो, गमों की धूप में एक शजरे सायादार थे वो, नबी की आल के मद्दाहो गम गुसार थे वो, नबी के आल के मद्दाहो गम गुसार थे वो, खुदा गवाह है एक फर्दे दीनदार थे वो, खुदा गवाह है एक फर्दे दीनदार थे वो। और फजीलतों का वो शहकार मर नहीं सकता, फजीलतों का वो शहकार मर नहीं सकता, बशर की मौत से किरदार मर नहीं सकता, बशर की मौत से
किरदार मर नहीं सकता। समाज फरमाए कि वो खाकसारी का पैकर वो आफताबे कमाल, वो खाकसारी का पैकर वो आफताबे कमाल, नकीबे मेरो वफा खुश मिजाज नेको खिसाल, नकीबो मेरो वफा खुश मिजाज नेकाल, किसी भी शीशे दिल पर न छोड़ी गर्दे मलाल, किसी भी शीशे दिल पर न छोड़ी गर्दे मलाल, कि उसका जाहिरो बातिन था आईना तमसाल, कि उसका जाहिरो बातिन था आईना तमसाल, सकूने कल्ब का मिलना बहुत मुहाल हुआ, मेरे अजीजो अभी कम कहां मलाल हुआ, मेरे अजीजो अभी कम कहां मलाल हुआ, और अभी तो ताजा है गम सेले अश्क जारी है, अभी तो ताजा है गम सेले अश्क जारी है, अभी तो उनकी जुदाई में आहो जारी है, अभी तो उनकी जुदाई में आहो जारी है, अभी तो शोक का माहौल सब पे तारी है, अभी तो शोक का माहौल सब पे तारी है, अभी तो दिल का वही हाल बेकरारी है, वो हमसे रूठे तो बहुतों की जिंदगी रूठी। समाज समाज वो हमसे रूठे, वो हमसे रूठे तो बहुतों की जिंदगी रूठी, न जाने कितने चिरागों से रोशनी रूठी, न जाने कितने चिरागों से रोशनी रूठी, हसन यकीन है वो है जवारे रहमत में, हसन यकीन है वो है जवारे रहमत में, मिली है शफकते आले रसूल जन्नत में, मिली है शफकते आले रसूल जन्नत में। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, वन नारु लिल आशीन, वल जन्नतु लिल मुमिनीन, ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسني والحسين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومسائبهم ونجابتهم وخطابتهم وطهارتهم وسخاوتهم ورسالتهم وإمامتهم وشجاعتهم وولايتهم وفضيلتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب
लेअन्ना जिक्रहू जिक्री व जिक्री व जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह ही इबादा मिलजुल के बलन तरीन सलावात हजरत गरामी कद्र आपको बखूबी वाकिफियत है कि ये मजलिस हमारे अजीज अब्बास भाई मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस मुहिबान हुसैन चैनल ऑफिशियल मुंबई जुलूस चैनल और त्रिपुर आज़ादारी इन चैनलों से लाइव कास्ट हो रहा है और मजलिस बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी और पहुंच रही है। लिहाजा कुछ समाखराशी से पहले मरहूम मगफूर के इसाले सवाब से पहले जो खद्दोखाल हाजिर खिदमत करने की सआदत हासिल करने वाली हैं उससे पहले आप हजरात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम व मगफूर सैयद अब्बास इब्ने सैयद मोहसिन आलम की रूह पुरफुतु को हदीए ईसा अलैहि सलाम फरमाएं सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। मिलजुल के बेदार तरीन बलन तरीन सलावात अदादारान सैयद शहदा व मातमदारान हजरत फातेह करबला व आशिकान हजरत अहमद मुख्तार व फिदायान हजरत हैदर करार बतौफ़ीक़ात इलाही व बतसद्दुक मोहम्मद व आल मोहम्मद कायनात आलम व आदम के परवरदिगार का महबूब तरीन पैगम्बर मौला कुल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ذات والا صفات کے سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے اپنی امتوں سے خطاب ہے پیغمبر کا کہ تم اپنے اپنے مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے اب آپ خود سوچئے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہی چلا آیا ہے کہ جب بات علی سے چلتی ہے تو خدا پر ٹکتی ہے اور جب بات خدا سے چلتی ہے تو علی پر ٹکتی ہے اور یہی اہل دنیا کو ہضم اہل دنیا کو یہی ہضم نہیں ہو پایا میں لفظ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں نبی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف اگر ہوا تو علی کے سلسلے میں اچھا کیوں ہوا یہ بھی بدنصیبی ہے ورنہ خود پیغمبر نے فرمایا وَلَوْ اِجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارُ اگر کائنات عالم کے تمام لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تھوڑا بیدار ہو کے جی 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 اگر کائنات عالم کے تمام لوگ محبت علی پر جمع کیونکہ محب حیدر کرار کی مجلس ہے عباس بہت بڑے محب حیدر کرار اور بہت بڑی الگ طبیعت فطرت تینت سوچ وچار انداز تخیل ہر چیز میں بہت الگ تھے دو چار مرتبہ ہمارا بھی سابقہ پڑا اخلاق بھی بہت اچھا تھا
जाहिर सर ये चीजें कहां से मिलती है? ये तीन दरवाजे तीन से नहीं मिलती है, दरवाजे इमाम मुबीन से मिलती है। सलावत तो पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये चीजें भी वहीं से मिलती हैं कि जहां का अल्लाह ने मिसदाक बनाया है और खुद पैगंबर फरमा रहे हैं किसी को हुर बनना हो तो अली के दरवाजे पर आओ, किसी को हबीब बनना हो तो अली के दरवाजे पर आओ। ये खुद नहीं कहते मुझसे मिलो, पैगंबर जानते थे उम्मत का मिजाज माजी में कैसा होगा। हम जुल्फों में लिपटेंगे, हम कपड़ों में लिपटेंगे, हम रिदा में लिपटेंगे। पैगंबर ने अली को गदीर में नमूना बना के बता दिया। अब मेरा मामला खत्म हो रहा है, कयामत तक अली का मामला शुरू हो रहा है। सलावत तो बड़ी मोहम्मद वाला तुम जितना जितना अली से जलते रहोगे हम उतना अली अली करते रहेंगे। और अपने हीने हयात में पैगंबर ने अपना कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है, वरना एक मौके पे अगर जिक्र किया है तो सिर्फ इतना जिक्र किया है वो इस तो ले मामा मा मकारिम अखलाक। मैं मबूस किया गया हूं सिर्फ इसलिए कि अखलाक की बुजुर्गियों को पाए तकमील तक पहुंचाऊं। आए आए ये नहीं नबी ने अपनी ही में हयात में फरमाया मैं नबी बन के आया हूं, मैं रसूल बन के आया हूं, मैं उलुल अज़्म बन के आया, मैं हादी बरहक बन के आया, मैं हुज्जत खुदा बन के आया, बल्कि क्या ज़बाने रिसालत पर आया है कि मैं भेजा गया हूं तो सिर्फ इसलिए ताकि शऊर और अकल की बुजुर्गियों तक उसको पहुंचा सकूं अखलाक को। तो मालूम ये हुआ कि लाइफ में सब कुछ हो, अगर अखलाक ना हो तो जिंदगी जीरो बटा जीरो है। अखलाक बहुत बड़ी दौलत का नाम है। मौलाए मुकुल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहता अखलाक देखे आप, अखलाक अली देखे आप, खुदा की कसम ये मजलिस जो हमारे अब्बास भाई के इसाले सवाब की मजलिस है ये सब मजलिस नहीं है, बल्कि ये तीन फायदे अपने दामन में रखे हुए है। यही मजलिस हुसैन, वो मजलिस हुसैन है जिसका पहला फायदा ये है कि ये मजलिस हुसैन मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कहलाती है और जो हाजिरीन है उनके लिए इसाले हिदायत कहलाती है, और जो दुश्मनों मुनाफिकीन और मुनकरीन है उनके रुखसारे बातिल पर तमाचाए एहतजाज कहलाती है। सलवात तो बढ़ी है उसमें प्याले मोहम्मद के ऊपर बात करी। मौलाए कुल की बारगाहे इस्मत मआब में एक शख्स हाजिर हुआ और कहता या अली अखलाके पैगंबर गिनवा दीजिए। भाई यही तो कमाल है, मोहम्मद को देखिए तो मोहम्मद की जबान पर अली का जिक्र नजर आएगा, अली को देखिए तो अली की जबान पर मोहम्मद का जिक्र नजर आएगा। तवज्जो कीजिए जाने का बहुत महसूस होंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी ये दूरियां जो हैं ये जरा अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा और करीब आ जाएंगे। और फिर कहने वाला भी क्या हो कहता है कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती हैं। आप ये दूरियां बल्ले भाई ये मोहसिन भाई ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है। भाई एक लम्हे में हम इसीलिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसका कितना बड़ा एहसान है, उसका कितना बड़ा करम है, उसकी कितनी बड़ी करीमियत और रहीमियत है कि मैं अदना सा एक तालिब इल्म विलायत के मिंबर से अपने मोमिनीन को बुलाया, मेरी नहीं सी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मोमिनीन मिंबर विलायत के करीब आए। अरे अफसोस उन फिक्रों और उन किरदारों का है कि वक्त का रहमतुल आलमीन उहद के मैदान में लोगों को बुलाता रहा और लोग पहाड़ पर चढ़ते रहे। सलावत तो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहाड़ पर चढ़ते रहे और पहाड़ की भी क्या खूबी भी है, पहाड़ पर चढ़ना साहब ये उनकी सुन्नत नहीं है, किसी और की सुन्नत है। कोई और पैगंबर था जो सफीने में खड़ा था और बाप
सफीने में था, बेटा पहाड़ पर चढ़ने कोशिश में था, तूफान आ रहा था, बाप का दिल तड़पा, क्योंकि बाप तो फिर बाप होता है ना, बाप तो फिर बाप होता है ना, बाप का दिल तड़पा और बेटे से कहा बेटा जा, जिसका नाम था कनान, क्या नाम था बेटे का, नाम था कनान, शोरा आजाद तशरीफ फरमा है, और वो भी महसूस होंगे समीन मोमिनीन भी महसूस होंगे जाने का नामी जी, बाप सफीने में था, वहां से तूफान की जब बुलंदियों को उसने देखा, दिल तड़पा, मोहब्बत है, पितरी मोहब्बत है, आप समझ रहे हैं ना, आवाज दी बेटा कश्ती में आ जा, उसने कहा नहीं मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, फिर बाप ने बुलाया कश्ती में आ जा, फिर उसने कहा मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, तीसरी मर्तबा की नौबत ही नहीं आई, खुदा की आवाज आई, हबीब नबी नो मेरे पैगंबर अब ना बुलाना, अब ना बुलाना, क्यों, इसलिए जो पहली आवाज पे आए वो अहल से होता है, जो दो पे ना आए वो ना अहल होता है, क्या कह रहा हूं, तवज्जो दीदाने गरामी, जो पहली आवाज पर बाप के लब्बैक ना कह सके वो ना अहल होता है, और लैसा मिन अहली अल्लाह ने कुरान में खुद नाजिल किया है, या आपके अहल से नहीं है, अगर अहल से होता तो पहली आवाज पर आ जाता, नो चुप रहे, तवज्जो कीजिएगा, नो चुप रहे, मंजर देखते रहे, कुदरत ने आवाज दी, इसको बुलाने की जरूरत नहीं, कश्ती में तो वो आएंगे जिन्हें निजात की जरूरत है, जो हलाकत में पड़ना चाहता हो उनको, उनके लिए कोई चारा नहीं है, पहाड़ पर चढ़ता रहा, तूफान आता रहा, आखिरकार पहाड़ डूबा, पहाड़ डूबा, बेटा भी डूबा, घुटनों तक डूबा, टखनों तक डूबा, घुटनों तक डूबा, कमर तक डूबा, आखिर हल्क से फलक का मामला जब सामने आया, सामने किसी शायर ने क्या खूब कहा, जो पहाड़ी पर खड़ा खड़ा था वो शजर डूब गया, जो पहाड़ी पे खड़ा था वो शजर डूब गया, बाप की बात न मानी तो फिसल डूब गया, बाप की बात न मानी तो फिसल डूब गया, तो अली हो ये मैसे हुसैन हमारे और आपके वास्ते सरमाए इसाले सवाब भी है और सरमाए हिदायत भी है, बेदारी का पैगाम भी है, जैसी अब्बास भाई ने लाइफ अपने जमाने अपने अहद अपने असर में गुजारी, हमारे नौजवानों के लिए भी ये बहुत बड़ी इबरत और हिदायत है कि बाप के भी मुती बने रहो, माँ के भी मुती बने रहो, अहले खाना के भी फर्मा बरदार खिदमत गुजार बने रहो, जरूरी है, जरूरी है, आपने सुना या नहीं सुना, कितना ही हम मंजिल कमाल पर क्यों पहुंच क्यों ना पहुंच जाएं, कुछ ऐसे किरदार होते हैं कि जिनकी मैयत में, जिनकी मोहब्बत में, जिनकी हिमायत में जिंदगी का गुजारना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, अहलो अयाल की खिदमत, आपने सुना कि नहीं सुना, रिवायतों मिलता है, साद बिन माज एक बड़ा अजीम किरदार है तारीख का, साद बिन माज एक बड़ा अजीम किरदार है तारीख का, रिवायतों मिलता है कि साहब परवान बहुत अच्छे चढ़े, साद बिन माज माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी सोबत भी अच्छी, कमाल भी अच्छा, जमाल भी अच्छा, अंदाज भी अच्छा, सोहबत पैगंबर की, सोहबत अली की, क्या सुन रहा है मेरा मजमा, लेकिन और भी हालात होते जो मैं आप तक टेली कर रहा हूं, आप तक मैं वो पहुंचा रहा हूं, अभी दाने ग्रामी, मतलब कहने का ये है कि हमारी लाइफ में कोई भी पहलू तश्ने तफसीर नहीं रहना चाहिए, हरे पहलू बदर जाए अतिम होना चाहिए, या लफ्जों को यूं बदल के कहूं कि कोई भी हकदार अपने हक से महरूम, सुभान अल्लाह, नहीं रहना चाहिए। बहरहाल सात दिमाग जब दुनिया से गया, एक माँ का बेटा भी है, एक बाप का बेटा भी है, बहनों का भाई भी है, और रसूल का बहुत ज्यादा लाडो प्यार में परवान चढ़ने वाला सहाबी भी है, तभी तो रसूल बढ़ बढ़ के
अपने हाथ पर उसे उठा रहे हैं, कफन पिना रहे हैं, नमाज जनाजा उसकी पढ़ा रहे हैं, खुद कब्र में लेके उतर रहे हैं। अजीजाने गरामी, कितनी अकमत है साहब की नमाज की कि मजलिस हुसैन सरासर इबरत है और हिदायत है आने वाले वक्त के लिए। अजीजाने गरामी, लिवा तो मिलता है, यह ऐसा इकलौता सहाबी है कि नबी को जब देखा शिरकत करते हुए सहाबी के जनाजे में, अल्लाह को ना रहा गया, कुछ फरिश्तों तक को हुक्म दिया, जाओ फरिश्तों जाओ, मेरे नबी को कहीं जहमत ना होने पाए, उनकी भागीदारी में, उनकी हिस्सेदारी में उनका साथ दो, उनका हाथ बटाओ। फरिश्ते तक शरीक हुए सात दिन माज की तशीह जनाजा से लेके कब्र में उतारने की मंजिलों तक फरिश्ते भी शरीक हुए। कब्र में पैगंबर उठे, सहाबी के जनाजे को लेके किसी खातून ने सात दिन माज की वालिदा को जन्नत की खुशखबरी दी, तो जुगीजे किसी खातून ने मोमिना ने सात दिन माज की वालिदा को जन्नत की खुशखबरी दी, जैसे ही जन्नत की खुशखबरी दी पलट के पैगंबर ने थोड़ा सा उठे, कमर को बुलंद किया, सर को बुलंद किया और बुलंद करके फरमाया कि अभी जन्नत नहीं है, अभी जन्नत है जन्नत, क्यों नहीं जन्नत होगी, जो अली की मोहब्बत पर मरा हो क्यों ना जन्नत होगी, जो आल की मोहब्बत पर मरा हो क्यों ना जन्नत होगी। लेकिन दुनिया में कुछ आमाल के उन्वान पर खटपट हो जाती है, बरजख इसीलिए रखी गई है ताकि बरजख में डायलिसिस आजाए जवारे की हो जाए, फिर मैशर तक पहुंचते पहुंचते इंसान बिल्कुल ऐसे हो जैसे या अभी नजर से निकला है या मासूम कुम के रोजे से निकला है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाह। जुमला में नौजवान ने कौम भी तशरीफ फरमा है और भी सब माशाल्लाह अरकान मोहब्बत भी तशरीफ फरमा, बानी मजलिस मुस्लिम भाई अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, हमारे बहुत अजीज तरीन बहुत करीब तरीन और हर जुमे को माशाल्लाह नमाज जुमा अदा करने के लिए गुलशन हुसैनी जोगेश्वरी में वाकई पहुंचते और वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? इसलिए अली वाले होने की पहचान ये है, जो हाँपता कांपता ठोकरे खाता हुआ पहुंचो उसे मुनाफिक कहते हैं। पता नहीं क्या सुना आपने और मैंने क्या आपको बयान कर दिया, जी जो हाँपता कांपता ठोकरे खाता हुआ और मुंह बनाता हुआ बिगाड़ता हुआ सूरज मकरूह दिखाता हुआ और दूसरों के आगे बयान करता हुआ जो मस्जिद में दाखिल हो उसको मुनाफिक कहते हैं। पता नहीं क्या सुन रहा, मुनाफिक कहते हैं। अच्छा हम नहीं कहते, ये अमीरुल मोमिनीन ने खुद फरमाया, हाय हाय हाय। और किसी ने कहा या अली मोमिन और मुनाफिक में फर्क बता दीजिए, तो मौला ने क्या फरमाया, मौला ने क्या फरमाया, जो मस्जिद में आके खुश नजर आए उसे मोमिन समझो, जो डूबता नजर आए उसे मुनाफिक समझो। सलावत पढ़े वो हम वाले और करें। ये बहरहाल जैसे ही किसी खातून ने सात बिन माज की वालिदा को जन्नत की खुशखबरी दी, पैगंबर ने कमर को सीधा किया, सर को बुलंद किया और उस खातून से कहा अभी नहीं। तो खातून ने पूछा कब? का अभी फिशारे खबर बाकी है। तो पूछा क्यों, क्या बात है, आखिर वजह क्या है? तब उन्होंने बताया कि सबसे अच्छे मिलते थे ये सात दिन बाद, सात दिन बाद सबसे अच्छे मिलते थे लेकिन अपनी अहलिया से सही नहीं मिलते थे। बाग लोग होते ना, सब नहीं होते, हम समझ रहे हैं। तो अहलिया से भी अहलियत आती है, अच्छे से मिलना अहलिया से भी,
बच्चों से भी, माँ से भी, बाप से भी। भाई यही तो मौलाना ने फरमाया था, जब मस्जिद आजम मस्जिद कुफा में दाखिल हो रहे थे, अली जुमला अर्ज कर रहा हूं शायद कि किसी काम आए, तो किसी को मस्जिद कुफा के अंदर जो फसील हुए आए उसमें दो चार लोगों को हाथ में तस्वीर लिए हुए अल्लाह 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 करते हुए देखा। मौला कायनात ने असहाब से पूछा ये कौन लोग हैं, तो असहाब ने बताया ये रिजालुल्लाह हैं। अच्छा ये क्या कंटिन्यू यहीं बैठे रहते हैं? जी 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 यहीं 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 बैठे हैं। क्या करते हैं ये? क्या अली से ज्यादा भी कोई जानता है? मगर अली पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ना जी, कब तक करते हैं? सुबह से शाम तक, फिर शाम से सुबह तक। क्या इनका कोई घर नहीं है? घर भी है, माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, कुनबा भी है, खानदान भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। हमको मस्जिद में जाना बेशक चाहिए, लेकिन मस्जिद में जाके गश खा के गिर नहीं पड़ना चाहिए। जरूरत पूरी हो तो बिखर जाओ। बहुत जरूरत पूरी हो जाए, वक्त नमाज खत्म हो जाए, यानी जमात खत्म हो जाए, नमाज पूरी हो जाए तो बिखर जाओ। हाथ पे हाथ, पैर पे पैर रख के लेट जाना, गज खा के गिर पड़ना, आप समझते ना? मस्जिद बनाई नहीं गई है इसलिए, आप समझे, इबादत के लिए है। बहरहाल देखा, पूछा कि ये सुबह से शाम तक जब यही रहते हैं, शाम से सुबह तक जब यही रहते हैं, तो ये खाते क्या है, पीते क्या है? लोगों ने बताया महल्ले वाले जो रहम खा लेते हैं बस वही ये खाते और पीते। मौला ने पूछा बाई चांस किसी दिन महल्ले वालों ने रहम न खाया तो? का तो फिर क्या होता है? अपने सर को घुटने में दिए रहते हैं और अल्लाह अल्लाह करते रहते। बस यहां तक मरहला जो आया, मौला के त्योरियों पे बल पड़े और एक कंबर से पर कंबर मेरी छड़ी लेके तो आ। मौला ने वो ताबियाना वो ताबियाना वो छड़ी मंगाई और बैठे तस्बीह पढ़ने वाले लोगों पे वो बरसाते हुए फरमाया जी कि यहां से निकल जाओ, तुमसे अच्छे तो कूफे की गलियों में फिरने वाले आवारा वो डोगी है जो कम से कम बोल के तो खा लेते हैं, तुमको तो बोलना भी नहीं आता। और ये कह के फरमाया जाओ, अगर अली की मोहब्बत दिल में है, नबी की मोहब्बत दिल में है, जमीन परवरदिगार पर बिखर जाओ, हाथ में बेलचे लो, जमीन का सीना चाक करके दाने को उगाओ, फसल तैयार हो, उस फसल को बेचो, उससे जो मिले अल्लाह को अल्लाह का हक अदा करो, माँ को माँ का हक अदा करो, बाप को बाप का हक अदा करो, बच्चों को बच्चों का हक, मौलिम को मौलिम का हक, पड़ोसी को पड़ोसी का हक, उस्ताद को उस्ताद का हक, मोमिन को मोमिन का हक अदा करके बोझल थके मांदे जिस्म के साथ अल्लाह के घर में आओगे, एक सजदा हजार सजदों पर भारी हो जाएगा। मिलकर सलावत पढ़े एक सजदा हजार सजदों पे, एक नमाज हजार नमाजों पर भारी हो जाएगी। बात नमाज की आ गई, दुआ की खिदमत करें। हमाशुमा क्या है, थोड़ी सी किसी बात पर किसी ने तौसीफ और तारीफ कर दी तो हम फूले नहीं समाते, जबकि ऐसे मौके पर हमारा तर्ज जिंदगी और तर्ज गुफ्तगू यही होना चाहिए। हम क्या, हमारी औकात क्या, ये सब करम अल्लाह का है, विलायत अली के सदके में।
अंदाज अंदाज जितना इंसान जली और नबी और अली को याद करता रहेगा उतना इंसान का कलमा मजबूत होता रहेगा और आगे का मरहला हमवार होता रहेगा। हाँ समझ रहे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बहुत आसान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह जबान को घुमा के कहना बहुत आसान है, अली उन वलीउल्लाह कहना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि माँ की तरफ भी देखना जरूरी हो जाएगा, अब्बा के खून की तरफ भी देखना जरूरी हो जाएगा। भाई किसी ने क्या मिलता है सलमान फारसी से, ये रिवायत है, वो कहते हैं एक मरतबा हम फुल टेंशन में थे और अपने एक पूरे ग्रुप के साथ पूरे डेलीगेशन के साथ पैगंबर की बारगाह में पहुंच गए और सरकार एक बात हमें समझ में नहीं आती। क्या बात समझ में नहीं आती सरकार? अल्लाह अल्लाह कहते रहो ना कहो, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, अल्लाह अल्लाह कहो या ना कहो ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो ना कोई रोकने वाला ना कोई, और जहां अली उन वलीउल्लाह कह दिया, अब ऐसे बैठे भी ना रहिए, थोड़ा तो जवाब लाइए। गुजराती जबान में एक कहावत है, मिसाल है, हरकत माज बरकत हो छे, जो तुम्हें हरकत कर सो तो तुमने बरकत मर से, यानी थोड़ी हरकत तो होना चाहिए ना, ये सोच के कि ये जिक्र किसका बयान हो रहा है, ये तस्किरा किसका हो रहा है। अनिदाने गरामी सोचने वाली मंजिल है, फिक्र मंजरा मिलकर सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत बड़ी चीज अखीरत मंद तशरीफ फरमा है, इसलिए बयान करने में थोड़ा शौक और शौक पैदा हो रहा है हुजूर विलायत के मेंबर से, क्योंकि पहली शिफ्टिंग में हम जो कौल जो फरमाने पैगंबर आपकी खिदमत में हाजिर कर चुके, बिस्मिल्लाह का वो एक पूरा आईना है। सरकार ने क्या फरमाया, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा, अब वही बिस्मिल्लाह है। सरकार ने खुद फरमाया कुल अम्रिन ज़िबालिन लम यब्दो बे बिस्मिल्लाह फहुव अब्तर, पैगंबर ने फरमाया कोई भी अम्र हो, कोई भी काम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, अगर उसकी स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो काम अबतर है, यानी बेमकसद है, वो पूरा ही नहीं होगा काम कि जिसमें बिस्मिल्लाह ना हो। अब समझ में आया पैगंबर का फरमान कि बिस्मिल्लाह की कितनी अजमत है। अब दुनिया ने समझा ही कहा है कि बिस्मिल्लाह की पावर क्या है, जिन्होंने समझा है कि बिस्मिल्लाह की अजमत ये, उन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है बिस्मिल्लाह, क्योंकि उनको पता चल गया कि बिस्मिल्लाह के आगाज को अली कहते हैं, आखिर को जली कहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जैसे जैसे पैगंबर का ये फरमान बढ़ा, हमारा ईमान बढ़ा, हमारा अमल बढ़ा, हमारा फेल बढ़ा, हमारा खून का असर बढ़ा, हमारे दूध की तासीर बढ़ी। क्यों? इसलिए कि अली मुहिब्बान के लिए फूल भी है, शबनम भी है, सितारा भी है, चांद भी है, साया भी है, दुश्मन के लिए कहरे इलाही भी है, अजाब भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है। सलमान इसी के इजाले के लिए तो बारगाह पैगंबर में हाजिर हुए। सरकार ये बात समझ में ही नहीं आती, सरकार ये बात समझ में ही नहीं आती कि अल्लाह अल्लाह वाला कहते रहो, कोई दुश्मन दुश्मन खड़ा ही नहीं होता। मोहम्मद रसूल कहो ना कहो, कोई भी मैदान में नहीं उतरता, और जहां अली उन वलीउल्लाह कह दिया, कोई ना कोई तंदूर रोशन करके मैदान में
भाई थोड़ा मुस्कुरा दीजिए भाई। हाँ सलावत तो बड़ी मोहम्मद अली पैगंबर ने जैसे ही अपने इकलौते सहाबी की इस रोदादे जिंदगी और हयात को सुना, फरमाया सलमान सलमान ये तो हो सकता है, और जो विधेला जो तुमने सवाल किया है उसका हम तुम्हें जवाब देते हैं कि ये तो हो सकता है कि कोई अल्लाह का दुश्मन भी हो, कोई अल्लाह का दुश्मन भी हो और हलाली भी हो, जैसे फिरौन नमरूद, ये हो सकता है कि कोई मुझ मोहम्मद का दुश्मन भी हो और हलाली भी हो। क्या सुन रहा है मेरा मजमा? जैसे फला चाचा चिचा और है, चाचा और है। अरे मैं यही बताना जा रहा हूँ आपको, चिचा विशम भाई चिचा और है और चचा और है। अल्लामा ताली जौहरी साहब याद आ गए, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत फरमाए, कि जो मोहम्मद को बोलने से रोके उसे चिचा कहते हैं, और जो मोहम्मद को बोलने पर हौसला दे उसे चचा अबू तालिब कहते हैं। गरामी सरकार ने फरमाया कि हो सकता है कि कोई अल्लाह का दुश्मन भी हो और हलाली भी हो, जैसे नमरूद जैसे फिरौन, ये हो सकता है कोई कुछ मोहम्मद का कुछ मोहम्मद का कोई दुश्मन भी हो और हलाली हो, जैसे मेरा चचा अबू लहब बिगड़ के चला तो गया लेकिन उसने कत्ल का मंसूबा नहीं बनाया। अबू लहब कहां है पैगंबर ने, आप समझ रहे हैं? लेकिन सलमान ये हो ही नहीं सकता कि कोई अली का दुश्मन भी हो। अब ये समझ लीजिएगा बिस्तर की करवटों में जाके, ऐ सलमान ये हो ही नहीं सकता कि कोई अली का दुश्मन भी हो और हलाली भी हो ही नहीं सकता। ये तंदूर का रोशन होना अम्मा के खताए इत्तेहादी की दलील है। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह। आप समझ रहे हैं ये अजमत है। ज़ैनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब के पस मंजर में अजी जितना जितना इंसान अली अली अंदर अंदर ज़बान से नहीं अंदर 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 अली अली करता रहेगा उतना अल्लाह उसको आली 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 करता रहेगा। खुदा की कसम ओए ओए बहुत बड़ी तासीर है इस नाम अली में खुदा की कसम। हालांकि पहला तो नाम अल्लाह ही का है अली उल अजीम, अल्लाह भी अली है। और आप ये देखें कि देखिए हर चीज का उल्टा आपको मिलेगा कायनात में, लेकिन सीधा मानवियत में होता है और उल्टा मानी के खिलाफ होता है, होता है या नहीं होता है? हर चीज का जो पॉजिटिव है वो मानवियत में होता है, लेकिन जो निगेटिव है वो बेमानी होता है। जैसे चाय वाय तो उल्टा गड़बड़ हो गया, चाय का मामला सही, खाना वाना हो गया, घर वर है, होता या नहीं होता? हर चीज का जो सीधा होता है वो मानवियत में होता है, लेकिन जो उल्टा होता है वो मानवियत में नहीं होता। मगर जाने में सार जाते अली पर कि अल्लाह ने अली के सीधे में भी मानवियत को रखा, अली के उल्टे में भी मानवियत को रखा। जब अली कहोगे तो अली आला नजर आएगा, वली कहोगे तो वली परवरदिगार नजर आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद।
यूं ही पैगंबर नहीं फरमा रहे हैं, अपने हर पल को अली के हवाले कर दो, अली सीधा कर देगा आके तुम्हें। और यही यही सबब है कि कितने बड़े बड़े दिग्गज से दिग्गज लोग मैदान में उतरे और बैटिंग करके नाकाम होके जो रुखसत हुए हैं, तो आज तक उनका पता ना चला। मगर कदीरी मौला कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। खुद बात में मौला ने फरमाया, मैं कल भी मदद के लिए आता रहा था और आता रहा हूं और कयामत तक आता रहूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझको मुश्किल कुशाए कायनात बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बास भाई मौलाए कायनात की वादिये विलायत में आराम से पहुंचे होंगे, क्योंकि जिन लोगों के साथ अर्ज कर रहा हूं, दो लंबी और अर्ज कर दूं, बात ज्यादा ना हो जाए। आप सामने गुड एंड शर्ट में आप समझिएगा इसको, कूफे की जिंदगी है तो चुकी जिया, कूफे की जिंदगी है। मौला एक मरतबा अपने मुख्तसर से दौरे जाहिरी खिलाफत में सवारी पसार हुए और कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक सामने से किसी ने आके लजाम पर हाथ बढ़ाया और लजाम पर जब हाथ बढ़ाया, मौला ने पूछा, तूने मेरी सवारी को क्यों रोका? कया अली, एक सवाल है मेरा। का क्या सवाल है? कया अली बता दीजिए, या अली बता दीजिए मुकम्मल इस्लाम क्या है, बता दीजिए मुकम्मल इस्लाम क्या है। मौला ने क्या फरमाया? अताअतो लिअम्रिल्लाह वल खिदमतो लिखल्किल्लाह। हर अली वाले का यही मिजाज होना चाहिए, हर नबी वाले का जो अली से रगबत रखता हो यही मिजाज होना चाहिए। ताअत खुदा, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी यानी सजदा, कुरान की तिलावत, इबादत और खिदमत मखलूक यानी अल्लाह की कायनात में अहले कायनात को फायदा पहुंचाना, जबान से हो तो पहुंचाए, हाथों से हो तो पहुंचाए, आंखों से हो तो पहुंचाए, यानी अलगरज ये कि अपने वजूद जाहिर से जितना जितना फायदा मखलूक खुदा को पहुंचाता रहेगा उतना उतना आबाद होता रहेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। यही सबब है कि तीन भी गुजरे हैं, इमाम मुबीन भी गुजरे हैं, तीन ने लोगों को नुकसान पहुंचाया इसलिए फला हो गए, इमाम मुबीन ने मखलूक को फायदा पहुंचाया इसलिए जिंदा रहे। हाय 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 सलावत पे मोहम्मद अली। मौला कोई नसीहत, मौला कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने मुकम्मल दीन की निशानदेही फरमा दी है, बसरो जज्म इस आपके बताए हुए दीन के मुताबिक हम जिंदगी गुजारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मौला इसके अलावा कोई नसीहत फरमा दीजिए। अब नसीहत सहाबी की नसीहत और है और अली की नसीहत और है। मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया, जाओ जिनके साथ तुम यहां रहोगे उन्हीं के साथ महशर में उठाए जाओगे। अब ये तुम्हारा शऊर है, तुम्हारी अकल है, तुम्हारा फैसला है, तुम किन लोगों को पसंद करते हो। मुझे अब्बास भाई याद आ गए, अब्बास भाई की सोबत भी यही थी, बुरे लोगों के करीब नहीं होते थे, अच्छे लोगों से दूर नहीं होते थे। सलावत तो पढ़िए मोहम्मद लोगों के दरमियान ऐसी यादगार और कामयाब जिंदगी गुजारो
कि जब तक तुम में मौजूद रहो, आए हाय, जब तक जिंदा रहो तब तक तुमसे मिलने की लोग तमन्ना करें, कहां गया मेरा भाई, मुलाकात नहीं हो गई है, कहीं फोन के जरिए, कहीं ऑटो के जरिए भागती हुई मोहब्बत दौड़ पड़ रही है, मुलाकात हो जाए, मुलाकात हो जाए, मुलाकात हो जाए। अपनी लाइफ को हमें इतना कामयाब बनाना है मोहब्बत हैदर करार के सदके में, मोहब्बत आल के सदके में, कि दुनिया हमसे मुलाकात को हमारे दरवाजे पे झुकती हुई नजर आए। और मौला फरमा रहे जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे ऊपर गिरिया किया जाए। ये कब होगा? ये शायर ने क्या खूब कहा, कम से कम इतना मुअत्तर हो तुम्हारा किरदार, कम से कम इतना मुअत्तर हो तुम्हारा किरदार, घर से निकलो तो पड़ोसी को भी खुशबू आए, खुशबू आए, ये बदबू और है, खुशबू और है, बदबू से इंसान भागता है, खुशबू से इंसान करीब होता है। अब मैं जुमला कहूं, अली के मुखालिफीन की मोहब्बत बदबू है, अली की मोहब्बत खुशबू है। सलावत पढ़े मोहब्बत वाले, बस हजार ग्रामी वक्त पूरा हो गया और माशाल्लाह काफी तादाद में कहां कहां से माशाल्लाह दूर दूर से आप तशरीफ ले आए। ये भी एक मोहब्बत का पैराया है जिनके साथ तुम यहां रहोगे। मौला ने फरमाया तो जमाना जानता है कि हमारी सोहबत क्या है, जमाना जानता है कि हमारा उठना क्या है, जमाना जानता है कि हम कौन से मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं। डॉक्टर रेहान आजमी याद आए, डॉक्टर रेहान आजमी याद आए, जमाना था एक वक्त था जब मैं कुवैत गया था, हमारे एक अनवर भाई पाकिस्तानी है वहां आश्रा हुआ था, 10 दिन तक मुसलसल उन्होंने पेशखानी की थी और बहुत याद आते हैं मुझे भी, अल्लाह उनको गरे के रहमत फरमाए। उन्होंने कला, उस कलाम का एक शेर अर्ज कर रहा हूं और बड़ा अंदाज में, तहतुल लफ्ज में नहीं बल्कि तरन्नुम में वो पढ़ते थे और उनका जो कलाम था, मतलब अगर गुफ्तगु करेंगे तो थोड़ी जबान में लुकनत होती थी, लेकिन ये मोजिजा था, ये मोजिजा था कि जब अहले बैत का जिक्र करने विलायत के मिंबर पे आते थे तो सब लुकनत दुकनत सब खत्म हो जाती थी। तो उन्होंने अपने कसीदे का एक बड़ा नायाब शेर मैं आपके समाज कर रहा हूं, वो कहते हैं आप मसलक से अहले सुन्नत हैं, ये सवालिया निशान है, ये सवालिया निशान है उधर के लिए, लोग कहते हैं हम अहले सुन्नत है, भाई काहे के अहले सुन्नत हो, तो अहले सुन्नत तो वो होगा जो नबी ने किया है वो आप करिए। अरे क्या कहने, अहले सुन्नत होने का मतलब क्या है, अहले सुन्नत होने का मतलब क्या है कि नबी ने अगर हसन को कांधों पर बिठाला है तो हसन का एहतराम करना आए हाय नबी की सुन्नत है। अहले सुन्नत होना ये है कि हसन का जिक्र किया जाए, हुसैन का जिक्र किया जाए, सैयदा का जिक्र किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, क्योंकि नबी एहतराम करते थे। तो अहले सुन्नत होने का मतलब क्या हुआ कि फातिमा का एहतराम किया जाए और अली को अगर कांधों पर ना सही तो कम से कम जबान पर ही सही, पलकों पे ही सही बिठाया जाए। मैं क्या कह रहा हूं नजीब भाई, बात जब जरूरत पड़ती है तो अली अली याद आ जाते हैं, बाद में दुश्मनी से मामला बन रहा है। इसीलिए कहने वाले ने भी काकूब कहा कि 70 धक्कों में 70 धक्कों में लौला अली याद रहा
और जब मुश्किल कुशाई हो गई तो बेवकूफ को मौला अली याद ना रहा। सलावत तो पढ़िए मोहम्मद वाला बाबा पर। धन्यवाद। आप देखिए मेरे भाई डॉक्टर पाया मालदीन साहब ने कहा आप ये सवाल है कहते तो है ना दावा आप मसलक से अहले सुन्नत है आप मसलक से अहले सुन्नत है तो फिर क्या होना चाहिए उठिए ताजी में सैयदा कीजिए। आप मसलक से अहले सुन्नत है उठिए ताजी में सैयदा कीजिए। आगे तो बस तमाम हो गया लम्हा ताजी में सैयदा जिन लोगों ने की है अल्लाह ने उनके मकाम को हमेशा बुलंद रखा है। जैसे सलमान फारसी बड़ी ताजी में सैयदा की है सलमान फारसी ने कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। खुदा एक कदम एक दिन अबूजर रफ्ते मसाइब के लिए वक्त तमाम हो रहा है एक दिन अबूजर ने हजरत अबूजर ने पूछा कि सलमान आपका सब कुछ तो माशाल्लाह ठीक ठाक है लेकिन दाढ़ी बड़ी लंबी रखे हुए हैं आप यहाँ तक इस लंबी दाढ़ी का कोई राज क्या होगा कोई वजह होगी जो लंबी दाढ़ी आप रखे हुए हैं। तो सलमान फारसी भी पैगंबर के कौल के मुताबिक कि उस दौर के लुकमान हकीम थे कौमों के और हमारी उम्मत का जो लुकमान हकीम है वो सलमान फारसी है। फरमाया ना पैगंबर ने फरमाया बहरहाल सलमान ने कहा अगर ये मंजर देखना हो तो कल सुबह सुबह फज्र के वक्त मस्जिद के दरवाजे से दरवाजे सैयदा तक आ जाना आपको ये मंजर नजर आ जाएगा। तवज्जो कीजिएगा रात भर अबूजर सोए नहीं सवेरा हुआ दौड़ते हुए मस्जिद के दरवाजे पहुंचे देखा सलमान मिले नहीं दरवाजे सैयदा से निकलकर मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और सलमान दहलीज सैयदा पर झुके हुए अपनी लंबी दाढ़ी को चारों की सूरत झाड़ू की सूरत वो दहलीज पर कुछ मिटा रहे हैं। हजरत अबूजर तस्वीर हैरत होके पूछते हैं शाने पे हाथ रखा ये क्या कर रहे हैं आप। हाय कोई दुनिया देखे तो सही अली से वाबस्तगी का ये अंजाम है मोहब्बत सैयदा से वाबस्तगी का ये अंजाम है। उठे क्यों मेरी इबादत में खलल डाल रहे हो अबूजर ये क्या कर रहे हैं आप। का तुम्हें मालूम नहीं है जब बाप मोहम्मद इस दहलीज पर खड़े होकर सलाम करता है अस्सलामु अलैका या अहले नबुव्वा आए अहले नबुव्वत आपके ऊपर हमारा सलाम हो तो यहां जो सलाम करते पैगंबर तो दो तीन कदम अपनी दहलीज से बाहर निकल के सैयदा अपने बाप के सलाम का जवाब दे के अपने बाप के हाथों को चूमती है। मैं कुछ और नहीं करता मैं अपने दाढ़ी के बालों से वो नक्शे कदमे सैयदा को मिटाता हूं इस नियत से कि किसी नामहरम के कदम सैयदा के नक्शे कदम पे न पड़े। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह अल्लाह सलमान दस दर्जे का आलिम नहीं बना ईमान के दस दर्जे का मिस्ताक नहीं हुआ। आप सोचे जिसकी हम लोग कोई अहमियत नहीं समझते आप समझे कभी रखे बचा के बाल आज तक नहीं जरा सा बड़े हुए उड़वा के आ गए बाल का भी पता नहीं खाल का तो पता है मुस्कुराइए थोड़ा नहीं मगर बाल का कोई पता नहीं है। वाह रे सलमान तेरी हिकमत जिसकी जमाने के लोग कोई अजमत नहीं समझते
अरे तूने उसको भी सैयदा की खिदमत में लगा दिया। बाहर सलमान तू कितनी असमत का मालिक है। अभी तो सैयदा का जो भरम रख ले वो रज़ी अल्लाह भी है और अलैहि सलाम भी है। अलैहि सलाम की बात आई है अब रब तो मसाइब अब्बास भाई मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए। अब्बास भाई को देखते हुए हमें अली का अब्बास भी याद आ रहा है। तमन्ना अली की तमन्ना अब्बास है, अली की तमन्ना अब्बास है। और सिर्फ अली ही की तमन्ना अब्बास नहीं है बल्कि सैयदा की भी तमन्ना। हमने मकबर को पढ़ा बड़ी देर तक मैं रोता रहा। जब सैयदा दुनिया से जाने लगी बीबी जैनब को एक वसीयत की, बेटी मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूं। जब चार शाबान को मेरा अब्बास दुनिया में आ जाए अल्लाह जैनब की तरफ से मेरा उसे सलाम कहते जैनब मेरी तरफ से मेरे अब्बास को सलाम कह देना। वाह रे अब्बास बड़ी अजमत है तारीख में। और फिर माँ भी हो तो ऐसी हो, पहली पहल जब घर में कदम रखा तो सैन्य खाना में चारों बच्चे बैठे हुए थे। जनाब उम्मुल बनीन जब घर में आई तो कई मर्तबा घेरा डाल के ऐसे ऐसे अपना अंदाज पेश किया जैसे खाने काबा का हाजी तवाफ करते हैं। कई मर्तबा तो उनके गिर घूमी और घूमी घूम के फर्श पर बैठ गई। बच्चे खड़े हो गए, अम्मा आपने ऐसा क्यों किया? कहा नहीं, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं आपके घर में कनीज बन के आई हूं, क्योंकि इस घर की जो शहजादी है वो फातिमा है। कल भी शहजादी है, आज भी है, कयामत तक रही। वाह रे परवरदिगार तूने कनीजियत में इतना मकाम और मनसब रख दिया कि जब बेटा पैदा हुआ तो बेटे अब्बास तूने नसीहत वसीयत कर दी, बेटा देखो कनीज ज्यादा हो कभी भी सर उठा के हसन हुसैन से गुफ्तगु न करना, पैरों की तरफ देख के गुफ्तगु करना और हमेशा आका हुसैन को कहना, भाई ना कहना, भाई ना कहना। लो अदादारो रिवायत बताती है यही बाबुल हवाए। बहनों को अभी अभी आपने कलाम भी सुना था, बाप को भी बड़ी हसरत होती है अपने बेटे से, बाप को भी बड़ी तमन्ना होती है अपने बेटे से और बहनों को भी बड़ा दिलासा होता है अपनी बहनों से, बड़ा दिलासा होता है। अरे करबला की जैनब से कोई पूछे क्या 18 बनी हाशिम जैसे भाइयों के झुरमुट में मदीने से चली थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज के लिए बुलंद है, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। रिवायत ये बताती है अरबाब अदा बाबुल हवाए वो हस्ती है, जनाब उम्मुल बनीन पूरी पूरी नजर रखती थी जनाब मौलाना आका का ख्याल रखना। और 28 काफिला मदीने से चलने लगा, रिवायत के मुताबिक काफिला कुछ आगे बढ़ भी गया था, काफिला कुछ हद तरखुस तक बढ़ भी गया था, मगर रिवायत कि मौला हुसैन के काफिला जब चलने लगा मौला हुसैन के कानों में किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब सवारी से मुड़ के देखा तो वो कोई और नहीं था, सफेद बालों वाली माँ
उम्र भरी हाथ में ऐसा लिए हुए आगे आ रही है। हुसैन ने घोड़े को काबा दिया, देख माँ के करीब पहुंचे, घोड़े से उतरे। आवाजी बनीन खैरियत तो है का बस फातह करबला दो जुमले पहले तमाम हो गई। अरबाज अल्लाह क्या भाई की शान होती है, कोई बहन से पूछे और क्या बहन होती है कोई भाई से पूछे। अरबाज ये सब दर समय ये सरदार बलीन ने कहा फादे करबला देर को मुझे अब्बास नहीं मिल सकता। हाँ अम्मा अब्बास क्यों नहीं मिल सकता? अब्बास करीब आए, लो भैया माँ माँ उम्र बलीन तुम्हें लेने आई है। रिवायत बताती है बोला अब्बास का हाथ पकड़ा रोजे रसूल में पहुंची, चारों तरफ से फरमाया जितने रोशनदान है जितनी उजाला जहां जहां से अब्बास आ रहा है अरे मेरे बेटे अब्बास सारे रोशनदान बंद कर दो कहीं से कोई रोशनी ना आने पाए। जब तमाम रोशनदान दरवाजे दर की दर बंद कर दिए तो रिवायत बताती है बीनोमिन ने अपना दाहिना हाथ बुलंद किया और अब्बास का दाहिना हाथ लिया अपने सफेद बालों पर रखा, एक अब्बास का हाथ लिया कब्र नबी पर रखा और रख के कहा मेरे बालों की कसम खा कब्र नबी की कसम खा जब तक अब्बास जिंदा रहेगा मेरा हुसैन सलामत रहेगा, मेरी ज़ैनब बापरदा रहेगी। अब्बास किया मां तेरे बालों की कसम तेरे सर की कसम कब्र नबी की कसम जब तक अब्बास जिंदा है। जदा गल्ला जदा गल्ला जदा गल्ला रोने में कमी ना कीजिएगा, क्या पता कल का दिन मिला ना मिला, क्या पता कल का रोज मिला ना मिला, यही जिंदगी का आखिरी लम्हा। जदा गल्ला खुदा आपकी गम ना दे सिवाय गमे सैयद शोदा भाई हो तो ऐसा। रिवायत बताती है अहद कर लिया लो अब्बास चले गए, जैनब को बड़ा भरम है अब्बास का बड़ा भरम है, लेकिन जब चलने लगे अभी भी जैनब को यकीन है कि मेरा पर्दा सलामत रहेगा, लेकिन जैसे ही मौला हुसैन ने अलम के भरे से नसरुम मिन अल्लाह काटा इल्ला लिल्लाह लिखा जैनब ने सरो सीना पीटा, बीबियों हम मदीने से आपके पर्दे की जमानत लेके आए, हम वो जमानत उठाते हैं, अब तो मुझे भी यकीन हो गया अब्बास के बाद जैनब बेरिदा हो जाएगी। हाजदार वह आखिरी पहलू आखिरी मसाइब का फिक्र मजलिस तमाम हो रही है। रिवायत बताती है बाबुल हवाइज उधर दरियाए फरात पर पहुंचे, रिवायत बताती मशकीजा छिना शाने कलम हुए पेशानी पर तीर आया आप भी तीर लगा जिसमें भी तीर लगे शाले कटे सकीना की हसरत पानी में बही। रिवायत बताती है घोड़े से कैसे जमीन पर आए होंगे, क्या कभी सोचा है आपने? क्योंकि हर मुजाहिद जो घोड़े से मैदान से जमीन पर गिरता था वो अपने हाथ जमीन पर लगा लेता था, मगर हाय रे ये इकलौता मुजाहिद है शहादत मकसद हुसैन का कि जब घोड़े से गिरा तो कैसे गिरा। साहिबान मकातिल लिखते मुंह के बल अब्बास
घोड़े से जमीन पाए। और आवाज़ी आका मेरी मदद तो आइए, मौला हुसैन ने जैसे ही मौला अब्बास की आवाज तो सुना, कमर पर हाथ रखा। अब मैं जुमला कहूँ, तारीख आलम आदम में दो ही आवाजें मिली, या मदीने में मस्जिद नबवी में सैयदा की शहादत की खबर जब अली ने सुनी तो कमर पर हाथ रखा, आवाज की सैयदा तेरे बाद अली की कमर खमीदा हो गई, या करबला में खबर शहादत अब्बास सुनी हुसैन ने कमर पर हाथ रखा, आवाज दी इनका सुना चहरी अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर खमीदा हो गई। आखिरी फिक्रा हुजूर रिवायत बताती है, जानू पर सर लिया अब्बास, कोई हसरत है? हाँ मौला हसरत है। अल्लाह मेरे भाई अब्बास को गनी तेरे बता भाई, अब्बास कोई हसरत है? हाँ मेरे मौला हसरत है। आखिरी फिक्रा मिली समाप्त, क्या हसरत है? का मौला दुनिया में जब हम आए थे सबसे पहले आपकी मौला दुनिया में जब हम आए थे सबसे पहले आपके चेहरे की इजारत की थी, दिल में हसरत है कि दुनिया से जा रहे हैं तो आपके चेहरे की इजारत हो जाए। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास देर किस बात की है? ये हुसैन ने क्यों कहा? क्योंकि हुसैन के आंखों का उजाला खत्म हो चुका था। हुसैन तीरों में तीर खा चुके थे, लाशों पर लाशें उठा चुके थे। रिवायत बताती है, रिवायत बताती है, क्या देर है अब्बास? आका एक आंख में तीर पेवस्त है, एक आंख में खून है, खून साफ हुआ, दीदार हुआ। अब्बास तुमने ये न पूछा आका की क्या हसरत है? हाँ मेरे मौला आपकी क्या हसरत है? का अब्बास मेरी हसरत तमन्ना आरजू यही है, जिंदगी भर तुमने मुझे आका कहा, कभी बात तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई है नादानो, तुमने जिंदगी भर मुझे आका कहा कभी भाई नहीं कहा, आखिर मौका है अय अब्बास मुझे भाई कह के बुला दो। अब मौला पास चुप हो गए, मौला पास चुप, एक जुमला कहा, एक जुमला बोले तो एक जुमला कहा, आका मैं क्या करूं, माँ की वसीयत और नसीहत से मजबूर, मदीने में माउमुल मदीन में मुझे नसीहत और वसीयत की थी, ये आका जाते ही मैं आका कहना भाई ना कहना करे, जैसे ही बाबुल हवायत की जबान पे ये फिक्रे आए, फुरात के नशे से एक काले बुरके वाली बीबी बुलंद हुई, आवाज की अब्बास मेरे बेटे अगर उम्मुल बलीन तेरी माँ है तो मैं फातिमा भी तेरी माँ हूँ, हुसैन को एक बार भाई कह दे, अब्बास ने भाई कहा। जितनी भी मरहूमीन है उनकी मगफिरत फरमा, अब्बास भाई की रूह पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, और मैं जगह रहे इमाम सुमर अलैहिस्सलाम ने जगह इनायत फरमा, मोहसिन भाई और उनके जितने भी खानवादे हैं सबको सब्र की तलखीन इनायत फरमा, आए अल्लाह जितनी हाजिरी सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, मरीजों को शिफा इनायत फरमा, औलाद को औलाद दरून अता फरमा। आखिर में गुजारिश है, एक मरतबा सिरा अलहमद और तीन मरतबा सिरा कुल अल्लाह की तिलावत फरमा कर महमूद मक़बूल सैयद अब्बास सैयद अब्बे सैयद मोहसिन आलम साहब और इनसे लगा है तीन मरहूमिन जितने भी सबके अल्लाह को हदीए ईसा अलैहि सलाम फरमाए। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा।
Ya Hussein.